नमस्कार अभिनव श्रद्धा। नमस्कार, एचसी न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में पहुंची। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां भी हैं। ममता और नुसरत ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ ममता बनर्जी के साथ बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी पहुंची। देश के कई हिस्सों में आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। कोलकाता में भी ये यात्रा निकल रही है। आयोजकों ने नुसरत जहां को बतौर मुख्य अतिथि यहां आमंत्रित किया है। नुसरत जहां यहां अपने पति निखिल जैन के साथ पहुंची। सीएम ममता बनर्जी के साथ नुसरत जहां ने भी पंडाल में पूजा अर्चना की। नुसरत जहां पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद हैं। नुसरत जहां ने इस दौरान विवाद पर भी जवाब दिया। नुसरत जहां ने कहा कि वे पैदाइशी मुस्लिम हैं और इस्लाम में विश्वास रखती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे हर धर्म का सम्मान करती हैं। इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले ममता बनर्जी ने ट्विटर पर रथ यात्रा की बधाई दी थी। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, जय जगन्नाथ। आपको बता दें कि नुसरत जहां ने हाल ही में निखिल जैन से शादी की है। उनकी शादी काफी विवादों में रही थी क्योंकि वे खुद मुस्लिम हैं और उन्होंने जैन रीति रिवाज के साथ शादी की थी। इसके अलावा जब वे सांसद चुने जाने के बाद संसद में शपथ लेने पहुंची, तब भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। नुसरत जहां लाल चूड़ा डाल माथे पर सिंदूर लगा संसद में शपथ लेने पहुंची थी। उन्होंने तो सद्भावना का संदेश दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, আমি নুসরত জাহান রুহি জেন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। কিন কুছ লোগো কো ইয়ে পসন্দ নহি আয়া থা। কুছ মৌলভিও নে নুসরত জাহান কে খিলাফ ফতওয়া জারি কিয়া থা, লেকিন উনহোনে ইস বাত কা ভি মুহ তোড় জবাব দিয়া থা। নুসরত জাহান নে কাহা থা কি ওয়ে হর ধর্ম কা সম্মান করতি হ্যায়। गौरतलब है कि बंगाल में लोकसभा चुनाव के वक्त से ही धर्म को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है। कई बार राज्य में जय श्री राम के नारों को लेकर भी विवाद हो चुका है। जो दर्शक एचसी न्यूज पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।